राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मानव तस्करी और साइबर क्राइम मामले में यूट्यूबर बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया से जुड़े राजस्थान सहित 3 राज्यों में सर्च किया। गुरुवार को राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 5 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी कर तलाशी ली। एनआईए सर्च के दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिली, डिजिटल उपकरण और डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। एनआईए ने 3 राज्यों में संदिग्ध लोगों और ट्रैवल एजेंट्स के ठिकानों पर तलाशी ली। जेएमबी के ग्लोबल वीजा प्राइवेट लिमिटेड के ओनर आरोपी बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया से जुड़े हैं। एनआईए की जांच में सामने आया कि सभी संदिग्ध आरोपी मानव तस्करी के लिए लोगों को भर्ती करने और अन्य व्यवस्थाएं करवाने का काम कर रहे थे। बलवंत मानव तस्करी सिंडिकेट भारत के अंदर बाहर गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों से संचालित कर रहा है। ये लाओस में स्थित साइबर फ्रॉड कंपनी के लिए पीड़ितों की भर्ती और फिर मानव तस्करी के जरिए बाहर भेजने का काम करता है। सभी पीड़ितों को भारत से लाओस स्थित गोल्डन ट्रायंगल EZ भेजा जा रहा है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने मानव तस्करी और साइबर क्राइम को लेकर केस दर्ज किया था। जून के पहले हफ्ते में एनआईए ने मामले को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू किया। 3 राज्यों में जिन संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर सर्च किया गया, वो सभी आरोपी बॉबी कटारिया के एमबी के ग्लोबल वीजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम कर रहे थे। आरोपी बलवंत कटारिया ने सहयोगी और ऑफिस से जुड़े लोग, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए फंसाते थे। पीड़ितों को धोखे से लाओस भेज दिया जाता, वहां उन्हें फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता। मना करने वाले युवाओं को फिजिकल टॉर्चर किया जाता और उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी छीन लिए जाते। यूट्यूबर बॉबी कटारिया 5 साल पहले 2017 में उस वक्त अचानक सुर्खियों में आया जब गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया था। कटारिया विवादित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सीधे पुलिस को धमकी और गाली देता। काफी समय तक ये कैंपेन चला, उसके बाद बॉबी कटारिया के खिलाफ गुरुग्राम और फरीदाबाद में केस दर्ज किया था। कटारिया को जेल भी जाना पड़ा।